पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को एक साल हो गया है। बीते मंगलवार को पहली सालगिरह के मौके पर सीमा और सचिन ने धूमधाम से जश्न मनाया। इस दौरान सीमा हैदर लाल सुर्ख जोड़े में थी तो सचिन ने काला सूट पहन रखा था। दोनों ने एक दूसरे को बरमाला भी पहनाई। जश्न के मौके पर सीमा के वकील एपी सिंह भी साथ रहे। सीमा सचिन के जश्न की इन तस्वीरों को देखने के बाद से ही सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भड़क गया। गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी कर सीमा सचिन के जश्न को एक स्क्रिप्टेड ड्रामा बताया और कहा कि इसके पीछे सीमा के वकील एपी सिंह हैं। आपने कभी सीमा बच्चों से बात नहीं करवाई, याद रखना। ये जो है जख्म आपने जो मेरे दिल को दिए, ये कभी भी भूलने वाले नहीं है। मैं बहुत जो है ना, बहुत तकलीफें देखी मैंने। मैंने बच्चों के लिए मेहनत किया, दर दर की ठोकरें खाई। आपने उस सब को पानी फेंक दिया और बच्चों को लेकर आप एक हवस की पुजारी बन गए हो। याद करना, वो दिन दूर नहीं है, बच्चे मेरे साथ होंगे और आप बच्चों के लिए फिटकोगे, दर दर तड़पोगे। मगर देखना फिर हैदर क्या था और आप क्या हो, ये तो वक्त बताएगा। तमाम लोगों का, इंडिया वाले लोग हैं, पाकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, लंदन से, यूके, अमेरिका, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ हमेशा हक का और सच का साथ दे। जैसे कि आप लोगों को पता है, मोमिन मलिक साहब ने जो एपी सिंह का जो है टोपी ड्रामा, वो बहुत जल्द से जल्द खत्म किया। देखो, असल और नस्ल की बात है ना। आपको पता है कि ये बहुत दावे कर रहा था, एपी सिंह के पास कोई जवाब नहीं है। वो डॉक्टर एपी सिंह सीमा का जो भाई बन के बैठा हुआ था, अल्लाह और करम मालिक के फजल से मोमिन मलिक साहब ने उसको बेनकाब किया। वो सीमा का वकील है ही नहीं, एक घटिया है, फ्रेपी है, सिर्फ जो है टीआरपी लेने के लिए आया था। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि शुरू से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ ड्रामा ही रचाया है। रियल ना बच्चों के लिए उसका दिल दुखता है, ना सीमा के लिए। ये सिर्फ व्यूज लेना चाह रहा था, लोग गुमराह कर रहा था, एक मजहबी जो है जंग छेड़ना चाह रहा था। अल्लाह के कर्म और फजल से हमें कामयाबी मिला और हमारा मेरा वकील जो मोमिन मलिक साहब है, अल्लाह पाक ने उसको इज्जत दिया। गुलाम हैदर ने ये भी कहा कि सीमा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो बचने वाली नहीं है। गुलाम हैदर ने कहा सीमा को ऐसी सजा मिलेगी कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। गुलाम ने वकील एपी सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सब वही करा रहे हैं, वे सीमा को फंसा रहे हैं और सीमा उनके जाल में फंस रही है। सीमा को लगता है कि वकील एपी सिंह उनका भला चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ सीमा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीमा हो रही है। एपी सिंह सीमा के लिए गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें सीमा का फंसना तय है। गुलाम हैदर ने यह भी कहा कि वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा और मरते दम तक उन्हें उनके लिए लड़ना जारी रखेगा। गुलाम हैदर ने कहा कि उसे भारत के अदालतों पर भरोसा है, सीमा को छिपने का रास्ता नहीं मिलेगा और सचिन भी इसमें फंस चुका है। हैदर ने दावा किया कि सचिन ने ऐसा कदम उठाया है जिसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। उसने कहा, सचिन को कभी भी माफ नहीं करूंगा, मेरे चार मासूम बच्चों को मुझसे छीन लिया गया। सीमा और सचिन को लगता है कि कुछ नहीं होगा, मुझे भारत के कानून और उनकी अदालतों पर पूरा विश्वास है कि इन लोगों को वो इनके अंजाम तक पहुंचाएगा और मुझे मेरे बच्चे मिलेंगे। गुलाम हैदर ने कहा, लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, वो रंग लाएगी। रमजान का पाक महीना चल रहा है और इंशाअल्लाह ईद तक मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे। उसके बाद वकील एपी सिंह और सीमा के बुरे दिन शुरू होंगे। गुलाम हैदर ने दावा किया कि एपी सिंह ने सीमा के साथ मिलकर भारत के कानून के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे चार बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके वो कभी खुश नहीं रहने वाली हैं। गुलाम हैदर ने कहा कि एपी सिंह का ये ड्रामा नहीं चलेगा, आपने गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी। मुझे मोदी जी, योगी जी और भारत की अदालतों पर पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।